हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अपने ज्येष्ठों का आदर करना धर्म है, परंतु जब ज्येष्ठ ही अधर्म के मार्ग पर हो तो उनका विरोध करना धर्म है। तुम पितामह के मोह में अधर्म कर रहे हो, और यदि मैं भी तुम्हारी तरह ये गलती करूं तो मेरा इस रूप में अवतार लेना किस काम का। यदि मैं भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता रहूं और मेरी आंखों के सामने धर्म अधर्म से हार जाए तो मेरा अवतार लेना बेकार हो जाएगा। पार्थ, तुम अब भी पितामह का वध नहीं करोगे? ठीक है, तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए, लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता, मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। हां, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। सावधान पितामह, सावधान अर्जुन। चलाओ बाण। वाह अर्जुन, वाह! देखो अर्जुन, अब पितामह भयंकर प्रहार करने वाले हैं, सावधान। Thank you.
देखो पार्थ, क्या अनर्थ हो रहा है। देखो देखो अर्जुन, पितामह ने क्या प्रलय मचा रखा है। अर्जुन, पितामह को रोको, उन पर प्रहार करो। पार्थ, तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्थिर हो जाओ। पितामह, कर रहे हो तुम अर्जुन? अपनी प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से खींचो और पितामह के सीने को, उनके हृदय को छेद डालो। ये तुम्हारे तीर पितामह के शरीर को केवल छू छू कर गिर रहे हैं। केशव, मैं तीर छोड़ तो रहा हूं पितामह पर। नहीं, ये अर्जुन के तीर नहीं, अर्जुन के तीर तो पहाड़ को ढेर कर देते हैं, धरती का सीना छेद देते हैं। ये तीर जो पितामह की गोद में जाकर अपना सर झुका रहे हैं, ये तो केवल उनके लाडले पोते के प्रेम में डूबे हुए लगते हैं। केशव, मैं क्या करूं? क्या करूं? युद्ध करो, पितामह का वध करो। केशव, मैं युद्ध तो कर रहा हूं। इसका अर्थ है कि तुम पितामह का वध नहीं करना चाहते। मैं पितामह का वध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अपने दादा की हत्या, तुम्हें अभी तक अपने दादा के प्राणों की चिंता है, परंतु तुम्हारे दादा के हाथों जो धर्म का वध हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। पार्थ, पितामह को पांडवों में केवल तुम ही रोक सकते हो, केवल तुम ही उनका वध कर सकते हो। हाँ पार्थ। केशव, मैं क्या करूं? मेरे हाथ मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, मेरी नजरें मुझसे विद्रोह कर रही हैं। मैं निशाना बांधता हूं, परंतु मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा गांडीव और मेरा मन तक कांप जाता है। तो पार्थ, तुम पितामह का वध नहीं करोगे? नहीं कर पाऊंगा केशव, मैं नहीं कर पाऊंगा पितामह का वध। तो ठीक है, यदि तुम नहीं कर पाओगे पितामह का वध, तो मैं करूंगा पितामह का वध। मैं उठाऊंगा शस्त्र,
ये क्या कह रहे हो केशव? युद्ध में भाग न लेने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? इस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर तुमने मुझे विवश किया है। परंतु अपनी प्रतिज्ञा निभाना धर्म है, और तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अधर्म करोगे। पार्थ, ये धर्म और अधर्म के दोराहे पर तुमने मुझे लाकर खड़ा किया है। मैंने? हां, तुमने। मैंने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र ना उठाने की, इसलिए क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस धर्म युद्ध को तुम केवल अपने बल पर ही जीत पाओगे, और मेरे मित्र होने के नाते मैं यह श्रेय केवल तुम्ही को देना चाहता था। परंतु तुम एक छोटा कर्तव्य निभाने के लिए एक बड़े कर्तव्य की बलि चढ़ा रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा केशव कि तुम क्या कह रहे हो। अर्जुन, अपने ज्येष्ठों का आदर करना धर्म है, परंतु जब ज्येष्ठी अधर्म के मार्ग पर हो तो उनका विरोध करना धर्म है। तुम पितामह के मोह में अधर्म कर रहे हो, और यदि मैं भी तुम्हारी तरह यह गलती करूं तो मेरा इस रूप में अवतार लेना किस काम का? यदि मैं भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता रहूं और मेरी आंखों के सामने धर्म अधर्म से हार जाए तो मेरा अवतार लेना बेकार हो जाएगा। विस्फोट, ये पितामह के बाण है। पार्थ, तुम अब भी पितामह का वध नहीं करोगे? ठीक है, तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए, लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं। हां, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। पितामह का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। क्या? रुक जाओ केशव,
केशव रुक जाओ, रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। रुक जाओ केशव, रुक जाओ, रुक जाओ माधव, रुक जाओ। रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ, रुक जाओ। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कल का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, मेरा नाम बदनाम होगा ना, तो हो जाने दो, परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। इस समय भी मैंने अधर्म के अंधकार को आशा की अंतिम किरण को निगलते हुए देखा है, इसलिए विवश होकर मैंने यह सुदर्शन चक्र धारण किया है। नहीं केशव, नहीं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम अनर्थ कर रहे हो। अनर्थ मैं नहीं, अनर्थ तुम कर रहे हो। तुम्हें बार बार समझाया, बार बार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया, परंतु तुम बार बार बहक जाते हो। इस धर्म युद्ध में तुम मेरी पहली और अंतिम आशा के किरण थे, परंतु वो भी टूट गई। तुमने मुझे हर बार निराश किया है अर्जुन, निराश किया है। मैं अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुमने तो अपना भरोसा ही तोड़ दिया है, अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा अर्जुन। जब तक पितामह जीवित हैं, तुम अपना धर्म नहीं निभा सकोगे, क्योंकि पितामह के विरुद्ध धनुष उठाते हुए पहले दिन की तरह आज भी तुम्हारी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। पितामह के प्रति मोह ने तुम्हारे मन को दुर्बल कर दिया है अर्जुन, दुर्बल कर दिया है। अब मैं दुर्बलता का प्रदर्शन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा केशव। नहीं अर्जुन, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, तुम्हारे ये दुर्बल हाथ धर्म की रक्षा के योग्य नहीं है। पितामह के मोह ने तुम्हारी शूर वीरता को खोखला कर दिया है। बस करो हे चक्रधारी, मुझे और लज्जित ना करो, बस एक एक अवसर और दो, मेरे विश्वास करो। मेरी भूल के कारण तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने और शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा, अब मैं डटकर युद्ध करूंगा। मुझे क्षमा कर दो मधुसूदन, मुझे क्षमा कर दो, और सुदर्शन को वापस रख लो। तुम सच कह रहे हो अर्जुन? Thank you.
केशव, वापस अपने रथ पर चलते हैं।